कि राष्ट्रीय जनता दल गरीबों का बल है, किसानों का बल है, मजदूरों का बल है, नौजवानों का बल है। हर जगह हमारे कार्यकर्ता गरीब, किसान, मजदूर, बेरोजगार, जो मजदूरों के साथ जिस प्रकार से व्यवहार किया गया, उन सब के साथ मिलकर के, किसानों के साथ मिलकर के 5 किलोमीटर हर जगह साइकिल चला करके इसका प्रदर्शन करेगा। हमने पहले भी कहा था कि पहली बार ऐसा देश के इतिहास में हो रहा है कि कच्ची तेल की कीमतें कम हो रही हैं और लगातार जो है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। कई ऐसे शहरों में जहां डीजल जो है पेट्रोल से भी महंगा हो गया, ये हम लोगों ने नहीं देखा। यही आप लोग सब लोगों को पता है कि बीजेपी को महंगाई जो है डाइन नजर आती थी, अब जो है भौजाई नजर आ रही है। इसलिए हम सब लोग, दाम बढ़ने से हर एक चीज महंगा होता है, इससे आम नागरिक से लेकर के किसानों का जो लागत आता है उसमें बढ़ोतरी होती है। और हमारा स्पष्ट मानना है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है। क्यों बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी जब महंगाई की मार पूरा देश झेल रहा है, खासतौर पर बिहार के लोग झेल रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मरमाहत यहीं के लोग हैं, चाहे मजदूर हों, चाहे बेरोजगारी की बात हो, तो बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है। और अगर किसान की बात की जाए तो बिहार को एक कृषि प्रधान राज्य माना जाता है, वहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा किसान, मजदूर, सबसे ज़्यादा बेरोजगार है। अगर महंगी कोई चीज़ होती है तो सबसे ज़्यादा मार अगर कोई झेल रहा है वो प्रदेश बिहार है। इसलिए आज हमारा पार्टी का 24वां स्थापना दिवस भी है। आज हम लोगों ने तय किया कि आज अपने आवास से पार्टी ऑफिस जो है हम लोग साइकिल चला करके जाएंगे। कि राष्ट्रीय जनता दल गरीबों का बल है, किसानों का बल है, मजदूरों का बल है, नौजवानों का बल है, इसको ले करके एक जनता में संदेश देंगे कि जो लोग सत्ता में काबिज हुए कि महंगाई कम करेंगे, पलायन को रोकेंगे, कल कारखाने लगाएंगे, रोजगार देंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, इसमें वो पूरी तरीके से विफल रहे। बल्कि यही नहीं, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। डबल इंजन की सरकार ने बिहार को स्पेशल पैकेज नहीं दिया, डबल इंजन की सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। इसलिए आज हम लोग जो है पूरे बिहार भर में, चाहे वो वार्ड हो, पंचायत हो, ब्लॉक हो, जिला मुख्यालय हो, हर जगह हमारे पार्टी के लोग लोगों के साथ मिलकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको फिलोसफी बता रहे हैं लोग? लोगों को कुछ भी बोलने दीजिए, हमारा उस पर कोई ध्यान नहीं। हम जनता के बीच हैं, जनता की आवाज़ को, जनता के दर्द को हम सामने लाने का काम कर रहे हैं। और ये निकम्मी सरकार को हम लोगों को जगाना होगा। तेजस्वी जी, आपके विरोधी पार्टी जो है वो बैनर पोस्टर लगा रहे हैं और आपके बारे में बता रहे हैं कि जितने जो करना तो क्या उम्मीद की जा सकती है। उनसे पूछो कि बिहार में कितने कारखाने हैं, तो उधर से जवाब मिलेगा केवल 3। कौन सा 3? तो जो लालू जी ने केवल जो कारखाने लगाए थे वही 3। कौन कौन सा? मध्यपुरा का कारखाना, परसा का पहिया कारखाना, मढ़ौरा का कारखाना, केवल 3 ही जो हैं कार्यरत हैं। और कारखाने बिहार में जितने थे वो बंद हो गए, ठप हो गए। क्यों हो गए? बिहार बेरोजगारी का केंद्र क्यों है? पता होगा, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि 30 लाख जितने मजदूर आए सबको रोजगार दो। सरकार बताए कितने लोगों को रोजगार दिया।